सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी कायम है। 2021 में जहां सोयाबीन के दाम टूटते दिखाई दिए थे और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो वहीं 2022 में सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार आते दिखाई दिया। किसानों ने मंडियों में अपनी सोयाबीन ही तभी बेची जब उन्हें अच्छा दाम मिला, और किसानों के लिए यह फैसला अच्छा साबित भी हुआ। साउथ अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन कम रह सकता है, ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम रहने की उम्मीद है, जिससे सोयाबीन का वैश्विक उत्पादन घट सकता है। विदेशों में उत्पादन घटने से सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई घमासान होती जा रही है, जिससे वहां से होने वाले खाद्य तेलों का आयात रुक गया है। ऐसे में भारत में दूसरे खाद्य तेलों के दाम बढ़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस से होने वाले सूरजमुखी तेल की जगह सरसों, सोयाबीन और सीपीओ के तेल की ओर रुख किया जा सकता है। सोया तेल और सीपीओ के दाम पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहे हैं। NCDEX पर सोयाबीन 7900 के स्तर पर है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि सोयाबीन वायदा निचले स्तरों से 7900 पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बंद होते दिखाई दिया है। उनके मुताबिक सोयाबीन अब यहां से 8200 तक के स्तर दिखा सकती है और लंबी अवधि में सोयाबीन 9000 तक भी जा सकती है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।